कोसीकला में दुष्कर्म की घटना के विरोध में ब्राह्मण संगठनों ने किया मौन प्रदर्शन। मथुरा के कोसीकला में ब्राह्मण बिटिया के साथ हुई सामूहिक दुष्कर्म की घटना को लेकर वृंदावन के ब्राह्मण समाज में भारी आक्रोश व्याप्त है। नगर के समस्त ब्राह्मण संगठनों ने सोमवार को रमनरेती मार्ग स्थित परशुराम पार्क में मौन धरना प्रदर्शन किया, साथ ही दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई एवं पीड़ित बिटिया को आर्थिक मदद की मांग के संबंध में डीएम एवं एसएसपी के नाम एक ज्ञापन कोतवाली प्रभारी को सौंपा। ब्राह्मण संगठनों ने इस जघन्य एवं शर्मनाक घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा है, दोषियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा एवं पीड़िता को सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपए मुआवजा मिलना चाहिए, साथ ही चेतावनी दी है, पीड़ित बिटिया को जल्द से जल्द न्याय नहीं मिला तो ब्राह्मण समाज उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। सर्वविदित है जैसी घटना ये कोसी कला में हमारी ब्राह्मण कन्या के साथ हुई है, इसकी जितनी निंदा करें जितनी भर्त्सना करें वो कम है। ऐसी घटना समाज में नहीं होनी चाहिए। आज ब्राह्मण समाज जाग चुका है और इस अन्याय को जो सहन नहीं करेंगे हम लोग। हमने शासन प्रशासन से ये मांग रखी है, अति से अति शीघ्र जो गिरफ्तार हुए हैं, ऐसा बताया जा रहा है कि 3 लड़के थे लेकिन 2 अभी गिरफ्तार हुए ऐसा मेरे संज्ञान में है, उन तीनों को गिरफ्तार किया जाए, जल्द से जल्द चार्जशीट पुलिस जो है दाखिल करे, उनको फांसी की सजा हो, ऐसा हम न्यायपालिका से अपना जो अनुरोध करते हैं अपनी मांग रखते हैं। लड़की को सरकारी नौकरी मिले और उसके परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा मिले, ये हमारी मांग है। इस घटना की हम घोर निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं। आज हमारा ये मौन प्रदर्शन था, हमने यहाँ पे मौन प्रदर्शन किया है। यदि हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो आगे हम और भी ज्यादा उग्र प्रदर्शन या आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। क्या मानते हैं, क्या समय गया है कि अब न्याय के लिए भी प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ रही है, क्या मानते हैं? हमको अपनी सरकार से पूरी आशा है, धर्मप्राण हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, हम विप्र समाज के लोग हैं, यहाँ पर सभी जो है विप्र समाज के पीड़ित समाज के लोग हैं, हमको पूरी आशा है कि हमारी मांग को सुना जाएगा और इस पर एक्शन लिया जाएगा। यदि ऐसा नहीं होगा तो हम फिर दोबारा और आंदोलन करेंगे, अपनी मांग को मनवा करके रखेंगे। हमारे आज हम विप्र समाज के द्वारा आज मौन प्रदर्शन किया गया है, क्योंकि कोसी कला में जिस बच्ची के साथ में जो घटना घटी है जिसकी निंदा की जाए उतना ही कम है, और सरकार से शासन प्रशासन से मांग की जा रही है उस बच्ची को न्याय मिले, दोषियों को तुरंत चार्जशीट दाखिल करके फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई के तहत उनको फांसी की सजा हो, 50 लाख रुपए का मुआवजा उस बच्ची के परिवार को मिले और एक सरकारी नौकरी उस परिवार की में मिलनी चाहिए। कोसी कला की रहने वाली एक बालिका जो परीक्षा लेके आ रही थी आगरा से, उसको लिफ्ट लेकर के कुछ ले लिया है और उस बैंक कार के अंदर उससे गैंग रेप किया गया, उसे दूसरे को जहर भी खाया और उसके बाद में वो अपनी पीढ़ी हॉस्पिटल में भी भर्ती की गई है और उसके जो अपराधी हैं उनको सुना है कि सरकार ने कोई पुलिस ने उनको लोगों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन ये ब्राह्मण समाज ये मांग करता है कि जिस बेटी के साथ ये गैंग रेप हुआ है उनके अपराधियों को एक एक डेढ़ महीने के अंदर उनको जो है ये चार्जशीट दाखिल करे पुलिस और उनको फांसी सजा सुनाई जाए और उनके घरवालों को कम से कम 50 लाख रुपया और उसको नौकरी दी जाए।